तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु के द्वारा इस सृष्टि में हम क्यों आए, प्रभु क्यों भेजा है हमको, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना मर जाना, ये इसके लिए भेजा है प्रभु? देवातली जप करने के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष मतलब क्या है? परम आनंद। दुनिया में किसी को भी पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आप सुख चाहते हो? तो बोलेगा हाँ चाहते हैं। आप दुख चाहते हो? नहीं 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 नहीं। कितना सुख चाहते हो बोलने से क्या बोलेगा? 100%। क्या 90% भी नहीं बोलेगा, 100%। और किसी को हम बोलेंगे दुख चाहते हो 1%? नहीं, 1% भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग है आनंद का मार्ग? लोग तो सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा इसको नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं धनवान बनने से हम सुखी हो जाएंगे। कितने लोग धनवान हैं, सबको हम देखते हैं दुखी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु पद से विमुख हैं। और कितने लोग हैं दुनिया में रोगी हैं, योग करने से रोग नहीं आएगा और योग छोड़ देने से रोग आएगा। तो आप सोचिए कि आपको योग करना है या नहीं करना है। योग नहीं करेंगे तो रोगी बनेंगे, योग करेंगे तो योगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो आनंद मिलेगा। तो प्रभु हमको इसलिए भेजा है दुनिया में कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परम आनंद प्राप्त करने के लिए। इसके लिए पंच क्लेश का नष्ट करना होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, इसको नष्ट करना पड़ता है। तो ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, पांच क्लेश का नष्ट करना। तो इसीलिए हम इतना बोल के हमारा वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।